नमाज का रह जाना दुनिया के हर नुकसान से बड़ा नुकसान है। वजू से शक्ल, कुरान से अक्ल और नमाज से नस्ल पाक होती है। अक्ल को जंग लग जाए तो जुबान फजूल बोलने लग जाती है। अपनी जुबान को सलाम करने का आदि बना लो, इससे दोस्त बढ़ते हैं और दुश्मन कम होते हैं। किसी से गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। कुछ लोग खजाने की तरह होते हैं, दिल करता है कि जमीन में गाड़ दें। अगर तुम खुद तरक्की नहीं कर सकते तो दूसरों को तरक्की करते देख अपनी आंखें बंद मत करो। अपना अच्छा वक्त उनको दो जो बुरे वक्त में आपके साथ थे। वक्त के साथ शक्ल बदल सकती है मगर फितरत नहीं। खामोशी तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब है। सुकून इंसान का कमाल नहीं, रब की अता है। अल्लाह तक पहुंचने के लिए खुद नहीं मरना होता, ख्वाहिशात को मारना होता है। जिस कामयाबी की तलाश में तुम हो वो तुम्हें हर रोज 5 मर्तबा अपने पास बुलाती है। जिंदगी में सब कुछ बदलने के लिए पहले खुद बदलना पड़ता है। बात सीरत की है, दिखावे की नहीं, वरना तेजाब भी तो देखने में पानी जैसा ही नजर आता है। तुम इस दुनिया में रहते नहीं हो बल्कि इस दुनिया से गुजर रहे हो। लोगों को हक बात भी वही पसंद है जो इनके हक में हो। इंसान की सबसे बड़ी खता यह है कि रब से पहले इंसान के सामने रोता है। मांगना है तो अल्लाह से मांगो जो किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह बदल देता है हालात को, कोई भी आजमाइश हमेशा नहीं रहती। अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो एक बात जान लो, तुम्हारे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हक और सच के रास्ते पर चलने का एक ही फायदा होता है कि रास्ते में कोई भीड़ नहीं होती। 1000 ताल्लुक 1000 रिश्ते मगर अल्लाह के सिवा कोई अपना नहीं। जब तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे खिलाफ बोलने लग जाएं, तो समझ जाना कि तुम ठीक जा रहे हो। जो लोग आपको अपनी औकात दिखाएं तो यकीन कर लेना चाहिए कि वही उनकी औकात है। किसी का दिल मत दुखाओ, हो सकता है कि वो तुम्हें ऐसे चाहता हो जैसे मरने वाला जिंदगी। असल दोस्त वो होता है जिससे दूर रहकर भी मोहब्बत हो। गिरते आंसू और टूटे हुए दिलों की कद्र सिर्फ अल्लाह जानता है। जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुमको फजूल और नाजायज कामों से रोकेगा। नाराजगी जाहिर करना दिल में बुराई रखने से बेहतर है। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल हाजी कामरान खान सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाने ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रहें।